फिल्म मिड डे में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म को मध्यान्ह भोजन पर केंद्रित कर बनाया गया है। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर शौरी और फिल्म निर्माता अनिल सिंह के इस फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। बता दें कि फिल्म में रणवीर शौरी, जानवी राव, भगवान तिवारी और शहनवाज प्रधान नजर आ रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं और दिखाते हैं कि दर्शकों को इस फिल्म का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। ये समझता है कि इस पूरे गांव पर सिर्फ उसका हक है। जिस दिन ये चुप्पी टूटेगी ना, सैलाब बनकर सब कुछ बहा ले जाएगी। जब मिड डे मील को लेकर दर्शकों से बात की गई तो दर्शकों ने बताया कि बहुत बढ़िया मूवी है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, पिक्चर अच्छी है, नेगेटिविटी को उतना ज्यादा हाईलाइट नहीं किया गया है, वही मध्यान्ह भोजन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यहाँ तो उस पर पानी डाल के बुझा देना चाहिए, यहाँ पेट्रोल डालकर भस्म कर देना चाहिए। बहुत अच्छे 5 स्टार देना चाहूंगी और आप सब परिवार देख सकते हैं, फैमिली के साथ बहुत मेहनत करके बनाए हैं, सभी लोग देखिए और बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा आपको छत्तीसगढ़ के बारे में भी। बच्चों को अपना करियर चुनने का अधिकार है, जो उसका मन करेगा तुम उसमें सपोर्ट करोगे। सर आपने मिड डे मील बनते हुए देखा है? नहीं, मेरे गांव के स्कूल में किचन तक नहीं है, वहाँ बाथरूम में मिड डे मील बनता है। मूवी बहुत अच्छी है, एक फैमिली मूवी है, मतलब फैमिली के साथ देखा जा सकता है इसको बहुत अच्छे से, और जैसा कि नाम है मिड डे मील तो पूरे इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, और बहुत चीजें ऐसी है जैसे हम सिस्टम में कोई चेंजेस नहीं ला सकते हैं लेकिन ग्राउंड लेवल में कुछ चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, और प्रोड्यूसर के द्वारा मिस्टर अनिल सिंह चंदेल हैं, उनके द्वारा एक बहुत अच्छी कोशिश है कि ग्राउंड लेवल में हम क्या कुछ कर सकते हैं, हमें हर टाइम सिस्टम को दोष देने की जरूरत नहीं होती है। और मैं जैसे बाकी मूवीज भी देखी हूँ तो मेरे तरफ से ये मैं 5 स्टार देना चाहूंगी। बड़े लोगों का पेट कभी भरता ही नहीं है, अच्छा अनाज बच्चे लोग का रख लेते हैं, खराब अनाज सड़ा गला भेज देते हैं। अरे गांव के लिए कोई नई योजना लेके आए हैं? अरे भाई योजना तो सरकार की होती है, सरकार बदली योजना का नाम बदल गया। ठाकुर ये समझता है कि इस पूरे गांव पर सिर्फ उसका हक है। जिस दिन ये चुप्पी टूटेगी ना, सैलाब बनकर सब कुछ बहा ले जाएगी। बहुत बढ़िया मूवी है, एक अच्छा कॉन्सेप्ट था जिसमें चल रहा था कि कुछ ना कुछ अच्छा होना चाहिए, एक अच्छी सोच है उसको रिप्रेजेंट किया गया, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, देख सकते हैं, अच्छे मूवी है। हाँ मतलब उतना ज्यादा उसमें हाईलाइट नहीं किया गया है, पर उस कॉन्सेप्ट लेके आया हुआ है कि कैसे क्लस्टर बनाया जाए, मतलब बाकी 10-20 स्कूल को एक ही जगह में रखा जाए और कैसे खाना बाकायदा पहुँचाया जाए। तुम कौन, यहाँ के तो नहीं रखते हो? मेरा नाम अभिजीत है, आपके गांव के स्कूल में मिड डे मील अच्छे क्वालिटी और साफ सफाई से बने इसके लिए ट्रायल प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। इसी के साथ ही दर्शकों ने यह भी कहा कि पारिवारिक पिक्चर है जिसे देखा जा सकता है और मध्यान्ह भोजन पर आधारित, अगर हम सिस्टम में कोई चेंज नहीं ला सकते लेकिन ग्राउंड लेवल पर हम कुछ कर सकते हैं, चीज के लिए सिस्टम को दोषी नहीं दिया जा सकता। जब गीली लकड़ी सुलगती है ना, बहुत धुआं करती है, यहाँ तो उस पर पानी डाल के बुझा देना चाहिए, यहाँ पेट्रोल डालकर भस्म कर देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एंटरटेनमेंट डेस्क। ना दिखने वाले दुश्मन ना जो जादू की तरह होते हैं, बिल्कुल पब्लिक बहुत जोर जोर से ताली बजाती है। स्कूल में मिड डे मील खाने से सभी बच्चों की तबीयत खराब हो गई। हमारे प्यारे बच्चों को अभिजीत ने प्लान किया था मारने का।